हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल टॉप 100 हिंदी में। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड आईपीओ की। इसका हम ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस और लिस्टिंग प्राइस जानेंगे और इनका डिवाइडेड सब्सक्रिप्शन डिटेल्स यानी फर्स्ट सब्सक्रिप्शन का डिटेल्स हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। चलते हैं फटाफट वीडियो की। वीडियो के चैनल से पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपसे मिस ना हो पाए। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे डिवाइडेड सब्सक्रिप्शन डिटेल शाम के 5 बजे तक की है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्यूआरवी कैटेगरी की बात कर लेते हो तो आप देख सकते हैं इसमें 0.23 सब्सक्राइब हुआ है जो बहुत कम सब्सक्राइब हुआ है। आप सिंपली देख सकते हैं इतना कम, अमी ऑर्गेनिक्स के मुकाबले काफ़ी कम सब्सक्रिप्शन मिले हैं इसमें। एनआई कैटेगरी की बात करें तो 0.01 सब्सक्रिप्शन हुए हैं, यानी सब्सक्राइब तो हर में हो चुका है लेकिन यहाँ पे उतना सब रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना कि एमए ऑर्गेनिक्स को मिला है जिसका मैंने पिछले वीडियो बनाया। रिटेल कैटेगरी की बात करें तो 0.46 है जिसमें कि आप देख सकते हैं काफ़ी यानी आधा सब्सक्रिप्शन तो होने वाला ही है, फुली सब्सक्राइब कल हो सकता है हो जाए। आर आई रिटेल कैटेगरी की बात करें तो 0.46 सब्सक्राइब हुआ। एम्प्लॉय की बात करें तो 0.24 सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉय में भी उतना सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं मिला, रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए। किसी भी कैटेगरी में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है जितना कि मिलना चाहिए। टोटल की बात करें तो 0.32 सब्सक्राइब हुआ, यानी टोटल में भी आपको फुली सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। यहाँ पर आधा भी सब्सक्राइब हो जाती तो लगता कि चलो ठीक है आधे सब्सक्राइब हो चुका है लेकिन आधे सब्सक्राइब नहीं हुआ है। इसलिए आप पहले वीडियो को देख लीजिए, रिव्यू वीडियो इनका बनाया हुआ है, आप पीछे बैक आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं या फिर मेरे वीडियो में जाकर आप सिंपली वहाँ पर देख सकते हैं। विजया डायग्नोस्टिक सेंटर्स का रिव्यू वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी। चलते हैं हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की, और ग्रे मार्केट प्रीमियम पर चलने से पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे डिसलाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस जो चल रहा है वो 20 रुपये पर शेयर्स पे चल रहा है। प्रीमियम पे यानी प्रीमियम पे चल रहा है जो 20 रुपये पर शेयर्स पे, यानी आपको ये एक शेयर्स का प्रीमियम पे दाम जो है 20 रुपये है। यहाँ पे कुछ स्टॉक की बात करें तो आप कुछ स्टॉक में देख सकते हैं 0 रुपये इनका कुछ स्टॉक में भी वैल्यू है 0 रुपये। हम लोग बात करें सुधा में तो सुधा में भी इनका कोई पूछ इनको कोई नहीं पूछ रहा इसलिए यहाँ भी 0 है। और विजया डायग्नोस्टिक आईपीओ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात करें तो 5% रिटर्न एक्सपेक्टेड इस कंपनी से कर सकते हैं, आईपीओ वाच की वेबसाइट के माध्यम से बताया जा रहा है। आईपीओ वाच की वेबसाइट के हिसाब से आप 5% लिस्टिंग एक्सपेक्टेड कर सकते हैं इस कंपनी से, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे अपने हिसाब से कितना लिस्टिंग एक्सपेक्टेड कर सकते हैं इस कंपनी से। चलते हैं हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम की, और ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं 20 रुपये पर शेयर पर चल रहा है। 31 अगस्त को 20 रुपये चल रहा था, 30 अगस्त को जो 15 रुपये, यानी बढ़ रहा घट रहा प्रीमियम, वो भी तो एक स्टॉक एक्सचेंज ही है ना, प्रीमियम पे हो या फिर विदाउट प्रीमियम पे हो दोनों तो स्टॉक एक्सचेंज पे होते हैं ना। चलिए सिंपली हम देख लेते हैं आगे, यहाँ पे प्राइस बैंड की बात कर लेते हो तो आप देख सकते हैं 531 रुपये से लेकर 522 रुपये है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो 531 रुपये और यहाँ पे 20 रुपये इनका एडिशन करेंगे जो हम लोग को लिस्टिंग प्राइस बताएगी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से। टोटल 531 रुपये पर लिस्ट होगी अगर आज के हिसाब से कंपनी लिस्ट होती है तो। मेरे ख्याल से तो यहाँ पे आपको 0 से लेकर 5% ही मिलेगा लिस्टिंग एक्सपेक्टेड कर सकते हैं 0 से लेकर 5% इस कंपनी से, ज़्यादा आप इसमें लिस्टिंग एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते हैं। 0 से 5 में हो सकता है डिस्काउंट पर भी लिस्ट होता दिखाई दे, हो सकता है 0 से 5% के ऊपर भी दिखाई दे लिस्टिंग इसलिए, लेकिन आप अपने एडवाइज़र से एक बार एडवाइस लेके ही इसमें अप्लाई करिएगा। ऐसा नहीं कि आप इसमें डायरेक्टली अप्लाई करिए या फिर रिव्यू मेरा मैंने रिव्यू वीडियो बनाया उसे आप देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। चलिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स।